सारे कमरे का समान जिहड़ा ही अलमारी तैश नैश होई पई ही। साढ़े सारे गहने तकरीबन 50 तोले गहने और नकदी राशि जिहड़ी 10.5 लाख रुपया ही। मैं साबका कैप्टन मोहन सिंह मनास फौज विच 30 साल सर्विस करके घर आ के मैं अपना हुण आड़त दा काम शुरू कीते दा है। बीती रात 10:30 बजे तक अहीं अपने कमरे च टीवी देख रहे सी ते 10:30 बजे दे बाद फिर असी अपने बेटे दे कमरे च जिथे एसी लगे दा ही उत्थे मैं मेरी मिसेज ते मेरा बेटा और मेरा पोता 5 साल दा अहीं सो रहे सन। ते कोई अहीं इदां बेहोशी जे सी पर रात नूं कोई 2:30 बजे सानूं एक थोड़ी जी मेरी मिसेज नूं इदां आवाज़ ही आई। इन्हां महसूस कीता कि शायद ये तूफान दी आवाज़ है जिहदी वजह नाल कोई खिड़की खड़की है। पर फिर अहीं सो गए ते सुते की बेहोश ही मतलब बेहोशी जी सी। तो 4 बजे जल्द होश आई तो अं उठ के देखिया तो साढ़े वो कमरे च ग्रिल उधरों खुली पई ही तो सारे कमरे का समान जिहड़ा ही अलमारी तैश नैश होई पई ही। तो एक पेटी विचों साढ़े सारे गहने तकरीबन 50 तोले गहने और नकदी राशि जिहड़ी 10.5 लाख रुपया ही वो मैं कुछ जमीन का बयाना कराए दा ही उहदी रजिस्ट्री कराने लई मैं रखी दी ही वो सारी जिहड़ी आ वो लापता हो गई। फिर मैं बाद च पुलिस वाले नूं इनफॉर्म किया, पुलिस की पट्रोलिंग आई और बाद च डॉग स्कॉट और फिंगरप्रिंट्स वाले बंदे भी आए। पुलिस की तकसीस कर रही है, अजे तक ये बारे कोई भी मैं सूचना नहीं प्राप्त हुई। मैं पुलिस प्रशासन तो यह मांग करता हाँ कि नित प्रतिदिन रोज़ बड़िया घटनावां इदां दीआं हो रही हैं तो पुलिस ये कड़ी तो कड़ी कार्रवाई करे और जिहड़े भी दोषी हैगे ने उन्हां नूं सिगर तो सिगर पकड़िया जाए तो उन्हां ते बनदी कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि अगे तो अजिहियां घटनावां दुबारा समाज में ना हो। साडे कोल जी मिती 18/6 नूं एक पिंड पैंदा जी इत्थे बहादुरपुर कलोता जी उत्थे दे कैप्टन मोहन सिंह जिन्हां ने इतलाह दित्ती वे असीं अपने घर सुते पए सीगे एक कमरे दे विच सारा परिवार ते अनोन बंदिया ने उन्हां दे घर दे पिछों दी कंध टप के ग्रिल पट के ते उन्हां दा कुछ कैश ते गहने चोरी करके लै गया। इस संबंधी असीं अपनियां टीमां बना के मुकदमा दर्ज कर दिता जी। मुकदमा नंबर 118 असीं चोरी संबंधी मुकदमा दर्ज करके ते टीमां दा गठन कर दिता है। टीमां गठन करके असीं जल्द ही दोषियों नूं फड़ लवांगे ते कई पहलुआं दे आधार दे उत्ते असीं जिहड़ी आ इनवैसटीगेशन कर रहे हैं जी इस संबंधी जी।